हमेशा इलेक्ट्रिकल के बच्चों से ये कहता हूँ कि यार अपना कोर छोड़ के ना, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या सीएस के कोर में जाओगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा आने हाँ, वाले समय क्योंकि में। वो दोनों ही ब्रांच जो आजकल मतलब फुली ग्रो कर रहे हैं। हाँ, डिमांड उसी की है ना, तो उसी तरफ हमें जाना चाहिए। तो ये क्या मजाक थोड़ी चल रहा है यार, मजाक हाँ नहीं है ना ये। देखिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, आपको इनपुट तो देना पड़ेगा। ऑब्वियसली एंजॉय कर सकते हो, वीकेंड्स में एंजॉय कर सकते हो, लेकिन आप जितना ज्यादा एफर्ट मारोगे, जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे, उतना ज्यादा आउटपुट मिलेगा। सो आकाश रंजन जी नमस्कार। आकाश रंजन जी नमस्ते। नमस्कार। तो आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताओ, मतलब आप कौन से बैच से हो, कहाँ पे आपने मतलब ड्रॉप लिया था, या अभी आप फाइनल ईयर में हो। यस थोड़ा सा बैकग्राउंड सर, बताओ, सर कौन से यस बैच से सर आपने प्रिपेयर किया, कौन कौन सब्जेक्ट आपने किन किन फैकल्टीज से पढ़े हैं। सर मेरा बैकग्राउंड तो है कि मैं अपना बीटेक ओडिशा से किया था, एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, बीएसएससी नाम का एक है, हीराकुड डैम के पास, अगर पता होगा। उसके बाद आफ्टर बीटेक मतलब मैं डायरेक्ट प्लेसमेंट में बैठ गया, क्योंकि वहाँ टाटा पावर आया था हमारे कॉलेज में। तो उसके बाद मैं गेट की प्रिपेयरी कर ही रहा था कि प्लेसमेंट हो गया, तो मैं उधर चला गया। ठीक है, और वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में गया था। उसके बाद उधर जब मतलब सेटिस्फाइंग नहीं था, फुलफिलिंग नहीं लगा। ठीक है सर, उसके बाद मैं सोचा कि नहीं, अब छोड़ के कुछ करना होगा। तो बिफोर मैं डिसाइड किया कि छोड़ते हैं, पहले मैं देखा कि मतलब कंसिस्टेंसी आता है कि नहीं पढ़ाई में। ठीक है ना सर, तो मतलब एक महीने में जॉब के साथ पूरा फुली प्रिपेयर किया। लाइक आफ्टर जॉब मैं 6 घंटा के आसपास रोज पढ़ता था। अच्छा। वो 1 महीने कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं डिसाइड किया कि नहीं, अब ज्यादा टाइम देना चाहिए प्रिपरेशन में। देन आई डिसाइडेड टू क्विट। उसके बाद सर मैं फिजिक्स वाला से ही लिया था लास्ट ईयर, आई थिंक फेब्रुआरी 23 को लिया था बैच, पराक्रम अच्छा, बैच डी मतलब। ओके। तो तभी से वही रूटीनली फॉलो करता आ रहा हूँ क्लासेस। आपका एनालॉग जैसे हुआ, सिग्नल का आपके ये देखा लेक्चर, सारे फैकल्टीज का देखा जितने फिजिक्स वाले के हैं फैकल्टीज। ओके, तो मतलब आपने पूरी तरह से डीपीपीज और क्लासेस को फॉलो करके यस स्टेट सर, एवरी सिंगल थिंग एग्जाम्स अप बोर्ड दिया टू 1500 बैचेस। है। ओके, मतलब 1500 वाले लिया था। वो मतलब वो मुझे लगता है कि बूम था, वो तो बहुत अच्छा बैच रहा होगा, हाँ उसका सर, वही एक्सपीरियंस भी बहुत सबसे अच्छा रहा ज्यादा होगा। मतलब हेल्प हुआ रिवीजन के टाइम स्पेशली। बिल्कुल, रिवीजन के टाइम वो बेस्ट है। मतलब यस सर, आदमी नोट्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेता है तो वो बेस्ट हो जाता है। हाँ तो सर, मतलब ठीक है, क्योंकि मतलब मतलब मैं मतलब बोलना जितना कि कॉन्टेक्ट। कंटेंट हाँ सर, बोलिए बोलिए। मतलब जितना कंटेंट अपन प्रोवाइड हो रहा है, उससे गेट बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, फोड़ा जी जा नहीं सकता सर, है। बस हार्डवर्क करना चाहिए, बट उसके बाद तो इजीली हो ही जाएगा। सो मेरा और बोलना गेट था का कि सर, एक्सपीरियंस कैसा था आपका, गेट का एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि मुझे इस बार लगता है कि इलेक्ट्रिकल का पेपर ना थोड़ा सा जो कोर सब्जेक्ट है टफ आ गया है, क्योंकि नॉन कोर तो आसान था, जैसे एनलॉग आसान था, सिग्नल भी हाँ आसान हाँ आया था, यस सर, कंट्रोल भी आसान ही था। आसान इन द सेंस कि सर जो पढ़ के गया होगा तो उन्हें तो इजी लगा होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा तो पेपर ठीक ठाक था, स्टैंडर्ड पेपर था, वो डिफिकल्ट नहीं था। एक दो क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आ गया था हमारा एसी वोल्टेज कंट्रोलर से, एंड एक ड्राइव का क्वेश्चन आ गया था, तो वो दो तीन छोड़ के बाकी तो क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड थे। हाँ ऐसा था कि सर दो तीन स्टेप सॉल्व करना होगा मैथमेटिकली, ऐसा था आईएसई का पेपर था कह गए। मतलब दो तीन स्टेप सॉल्व करने के बाद आपको आंसर का थोड़ा विजुअलाइजेशन आएगा, और मतलब डायरेक्ट गेस करने से नहीं होता था क्वेश्चन। तो पेपर देने के बाद आपको लग गया था कि अच्छा मार्क्स आ रहा है, अच्छा रैंक नहीं बनेगा। सर, पेपर देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं जितना मॉक टेस्ट दिया था, मैं एग्जैक्टली उसी तरह ही गया। मॉक के बाद मतलब जितना जितना मतलब एक्सपेक्टेशन रहता है मॉक में कैलकुलेशन, वही 70-75 के आसपास आता था मॉक में। तो ओ, तो मॉक का बात कितना मतलब रोल रहता है, क्योंकि मॉक का आपको क्या लगता है, मॉक का कितना रोल रहता है या टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहता है। सर मेरा अकॉर्डिंग टू मी, मैं बोलूंगा तो 50% का मॉक ही आपका डिसाइड करेगा कैसा जाएगा रिजल्ट। बिल्कुल सही है। यस मतलब सर, जैसे क्योंकि अब आप इतना अच्छा रैंक आपका आ गया है, तो आपको क्या लगता है कि यार अब मतलब आगे, क्योंकि मुझे लगता है कि पीएसयू में मिल जाएगा, इस रैंक पे अच्छा रैंक बन रहा है तो पीएसयू मिल जाएगा आपको, मतलब आगे फ्यूचर क्या प्लान है आपका। टीचर सर, तो एमटेक का प्लान है, इसी जाना भी नहीं है। यस चलो, अच्छा प्लान है, मतलब मेरे हिसाब सर, से मेरे अकॉर्डिंग प्लान है आपका, यस सर, क्योंकि पहले ये मैं तो था सही है। पीएसयू में प्लेस था, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी था स्टेट का, तो पीएसयू में जॉब क्या है कि थोड़ा मोनोटोनिक हो जाता है, तो सर थोड़ा इसीलिए टाइम मैं मतलब जनरली दिमाग बच्चों को का। यही सजेस्ट करता हूँ, जनरली मैं बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ यस सर, कि आपके क्लासेस अगर में भी थोड़ा आप सा वही बोलते डायनेमिक हैं। नेचर है ना, एक्चुअली अगर थोड़ा सा डायनेमिक नेचर है तो नहीं जाना चाहिए पीएसयू यस सर, यस में, सर, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। प्लस
प्राइवेट सेक्टर बूम कर भी रहा है देश में, तो मतलब जहां सब जगह रिसेशन हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी 8% जीडीपी ग्रोथ लेके आ रही है, तो हाँ प्राइवेट वो सेक्टर तो बूम है। तो कर रहा है। ओके, अब थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर कैरियर के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ठीक है फैमिली यस। बैकग्राउंड बताओ अपना। फैमिली बैकग्राउंड तो सर मैं मतलब पापा एक हेड हाई स्कूल हेडमास्टर हैं, मॉम तो हाउस वाइफ है, और भाई एक है वो बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं, अच्छा, इतना ही ओके। तो मेरा। मतलब बचपन से ही पापा स्ट्रिक्ट रहते थे कि पढ़ाई नहीं करनी है सर, कर। बचपन से मैं क्लास 5 के बाद से मैं हॉस्टल में रहा था, मैं नवोदय में पढ़ा था, ओ क्योंकि सर एक्चुअली मैं ऐसे ही रहा, मैं मतलब मेरा मतलब बचपन कटा था, तो वहां पे बहुत कैसे फैसिलिटी नहीं था, इवन इलेक्ट्रिसिटी तक भी नहीं था 2003-04 तक उस एरिया में। ओके तो मुझे मतलब जैसे भी करके पापा ने नवोदय के लिए प्रिपेयर किया, जो जेएनवी स्कूल्स होते हैं, तो उसमें मेरा 12th तक क्लासेस उधर गया, तो क्लास 6 से 12th तक मैं हॉस्टल में गया, उसके बाद भी पूरा टाइम हॉस्टल में ही रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नवोदय के बच्चे थोड़े थोड़े डिसिप्लिन ज्यादा होते हैं ना, मैंने हाँ, ऐसा क्योंकि सर थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस। मतलब करिकुलम बहुत स्ट्रिक्ट रहता है पूरा, लाइक आपको फ्री टाइम बहुत ही कम मिलता है, लाइक सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक फुल कंप्लीटली बिजी रहते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा मतलब लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है उससे। हाँ, उधर क्या होता है कि सर आपको अगर खुद अपना मतलब ख्याल नहीं रखेंगे पढ़ाई में, अपनी जो भी हेल्थ सारे इशू में, उसका मतलब कोई आपको संभालने वाला वहां पे नहीं है, तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर हेल्प भी करता है बाद में। बिल्कुल सही बात है। ओके, और एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये क्या का पहला अटेम्प्ट है? नहीं सर, मैं मतलब आफ्टर बीटेक में हर साल दे रहा था, बट वो सब ऐसे ही फालतू में कि वहां जो कैसे मतलब सीरियस पहला एडजस्ट। अटेम्प्ट है, तो मेरे नहीं ख्याल से सर, पहला अटेम्प्ट ही काउंट होना चाहिए, क्योंकि सीरियस अटेम्प्ट ही पहला हाँ अटेम्प्ट है। ऑब्वियसली वो तो है सर, बिल्कुल, मतलब ऐसे ही बढ़िया है क्वालिफाई कर जा यार। रहा था जितना नॉलेज था कॉलेज के टाइम, बट ये वाला थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छा रिजल्ट हो रहा। सही है यार, पहली बार पहले सीरियस अटेम्प्ट, मतलब मुझे लगता है कि कोई बच्चा सीरियसली अगर 1 साल दे देता है ना इस एग्जाम को, आसानी से फोड़ सकता है। आराम से सर हो सकता है इजीली, बिल्कुल। तो मतलब जैसा आपने थोड़ा बताया कि मतलब यार फ्यूचर आपका एमटेक का प्लान है, तो आप किस में जाना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल कोर में, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर में, सीएस में, नहीं सर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स क्या? कोर में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कोर में तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीजें सैचुरेटी हो गए हैं, पावर बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम ज्यादा मतलब डेवलपमेंट हो ही नहीं सकते उस लाइन हो में। ही नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल कोर में भी अभी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो थोड़ा चेंजेस आएगा, हाँ लेकिन हाँ थोड़े वो सब समय बाद टॉपिक्स तो आएगा। हैं, मतलब वो भी सर ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक साइड ही हो जा रहा है, मतलब अगर देखे तो कंपेयर टू मतलब कोर इलेक्ट्रिकल जैसे मशीन पावर सिस्टम हो गया। बट वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस होगा ना, जैसे हाँ इलेक्ट्रिक मोस्टली पावर व्हीकल जो है। इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है सर सब कुछ। ओके। तो ओके, फिलहाल मतलब मैंने आपका अभी अभी वीएलएसआई में जाने का सर प्लान है? VLSI या फिर IC डिजाइनिंग उसी लाइन में। ओके। तो बहुत अच्छा वो है यार, मतलब वो तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि वीएलएसआई अब इंडिया में आने वाला है। मतलब अभी तक यस सर, इंडिया में हाँ चिप डिजाइनिंग ही होती थी, फैब्रिकेशन नहीं होता था यहाँ पे मोस्ट में, मतलब मेनली सिर्फ एक यस या सर, दो हैं, इसरो का एक प्लांट है, एक डीआरडीओ का प्लांट है वहीं पे भी, वो भी बहुत थोड़ी थोड़ी चिप्स बनाते हैं, वो मतलब कमर्शियल लेवल पे नहीं है। लेकिन अब इंडिया में हाँ आने वाला है, इंटेल वगैरह यहाँ पे प्लांट्स लगाएंगे, चाइना से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है वीएलएसआई का इंडिया में अभी तो। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों का तो देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जैसे मैं आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया हुआ है वीएलएसआई में, तो यस इलेक्ट्रिकल सर, के बच्चे भी हमारे साथ थे, तो इलेक्ट्रिकल के बच्चों का इक्वल बोर्ड रहता है वीएलएसआई में, क्योंकि बेसिक जो है वो ऑलमोस्ट आपका कवर्ड ही है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक रहता है, यस डिजिटल सर, यस सर, इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक रहता है, एक सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा एडिशनली पढ़ना पड़ेगा ईडीसी करके, हाँ EDC, इलेक्ट्रॉनिक यस सर, डिवाइसेस सर्किट्स करके, तो वो वो सर अगर तो आप मैं अभी प्रिपेयर पढ़ कर ही लेते रहा हो हूँ तो। एक्चुअली। एग्जाम के बाद मैं एक मतलब 1 वीक के आसपास थोड़ा मतलब रिलैक्स रेस्ट वो सब चला, उसके बाद मैं शुरू कर दिया EDC पढ़ाई। बहुत ब्राइट फ्यूचर है वीएलएसआई का तो। और मेरे जितने भी दोस्त थे जो 2012 से 2014 का बैच था मेरा, तो वो बहुत अच्छे अच्छी पोजीशंस पे हैं, एक दो तो यूएसए भी निकल गए हैं गूगल में अभी, गूगल क्योंकि अब हार्डवेयर की साइड आ रहा है ना, गूगल हाँ इज हाँ यस सर, लॉन्चिंग डिवाइसेस नाउ, तो वो उस सेक्टर में चले गए हैं, तो अच्छा स्कोप है, बहुत तगड़ा स्कोप है। अभी जो 2018 का एक बैच था मेरा, एएमयू के बच्चे थे, तो 2020 में उसका 43 LPA का पैकेज लगा था क्वालकॉम में, मतलब फिनोमिनल पैकेजेस हैं वीएलएसआई में तो। हाँ सर वो तो ठीक है, बट मुझे सर एक्चुअली पैकेज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट ऐसा कि थोड़ा मतलब इंजीनियरिंग का मुझे मतलब बचपन से ही पसंद है वो सब चीजें, ठीक है, तो मतलब कुछ करने का मन है स्पेशली हार्डवेयर रिलेटेड। तो इंटरेस्ट भी है और अच्छा है, मतलब अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर करते हो, आपके रैंक तगड़ा है और थोड़ा सा प्रिपेयर करोगे ना इंटरव्यू में, तो आईआईटी दिल्ली का जो वीडीटीटी है, वीएलएसआई डिजाइन टूल्स एंड हाँ टेक्नोलॉजी, बेस्ट ब्रांच है वीएलएसआई का ऑल ओवर इंडिया में,
और स्पॉन्सर्ड भी रहता है उसमें, फीस वगैरह कुछ नहीं पे करनी पड़ती आपको। मेरा एमटेक उसी में है, तो वो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। और मोस्टली वो स्पॉन्सर्ड रहता है, कंपनी से स्पॉन्सर्ड रहता है, तो डायरेक्टली आपको कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाता है। तो मैं तो हमेशा इलेक्ट्रिकल के बच्चों से यही कहता हूँ कि यार अपना कोर छोड़ के ना, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या सीएस के कोर में जाओगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा आने वाले हाँ, समय क्योंकि में। वो दोनों ही ब्रांच जो आजकल मतलब फुली ग्रो कर रहे हैं। हाँ, डिमांड उसी की है ना, तो उसी तरफ हमें जाना चाहिए। और मिल जाएगा अच्छी रैंक आपकी, तो आराम से बन जाएगा, कोई मेरा इशू नहीं ये आएगा। पूछना था कि सर मतलब IAS ही बेटर होगा या फिर IIT दिल्ली या बॉम्बे, इन तीनों में से? तीनों बेस्ट हैं, डिपेंड करता है। अगर आपको आईसी बैंगलोर जाना है तो, मतलब अगर हम करिकुलम वाइज देखेंगे तो आईसी बैंगलोर थोड़ा सा हार्ड टाइप का रहता है, आईटी हाँ वो दिल्ली तो सुना बॉम्बे हूँ। ऑलमोस्ट सिमिलर है, आईसी बैंगलोर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड रहता है। मतलब मेरा एक स्टूडेंट है लास्ट ईयर, तरुण प्रकाश करके, तो हम टीपी भाई बोलते थे उनको, हमारी क्लास में ही थे वो। तो वो अभी आईसी बैंगलोर में है, उसकी लास्ट ईयर 113 रैंक थी, 113 समथिंग रैंक थी। तो वो बता रहा था मुझे कि सर बहुत थोड़ा सा हार्ड साइड रहता है, आईटी दिल्ली और बॉम्बे का थोड़ा सा लाइट साइड रहता है, लेकिन प्लेसमेंट सबका बराबर है। आप मान के चलोगे दिल्ली का भी सेम कंपनीज आएंगी, बॉम्बे भी सेम कंपनीज आती हैं, आईसी बैंगलोर भी सेम कंपनीज आती हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। लेकिन अगर आपको, जैसा आप कह रहे हो कि ऑलरेडी इतना डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग हो, तो आईसी बैंगलोर चूज कर सकते हो, अच्छा वो तो है, बट बल्कि दिल्ली। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर भी थोड़े मुझे इंटरेस्ट, लाइक एक्स्ट्रा फोटोग्राफी स्विमिंग करिकुलर वो में तो सब भी फिर आईटी इंटरेस्ट है। दिल्ली दिल्ली बॉम्बे हाँ जाना चाहिए। प्लेसमेंट सब जगह बराबर है, आपको हार्ड वर्क अगर आप कहीं भी करोगे ना, तगड़ा पैकेज आप कहीं भी मार सकते हो। और सब जगह कंपनीज के लोग आते हैं पढ़ाने के लिए, मतलब आईटी दिल्ली में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो टीचर्स भी पढ़ाते हैं, लेकिन जो शाम की लैब्स वगैरह होती थी तो वहाँ पे हमारे पास साइप्रस के लोग और सिस्को के लोग आते थे, एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स होती थी उस समय, अब तो खत्म हो गई है, तब उसके लोग आते थे हमें पढ़ाने के लिए। तो सब जगह कंपनीज के लोग आते हैं पढ़ाने और अच्छे कॉन्टैक्ट बन जाते हैं, तो सब जगह प्लेसमेंट तो अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर करिकुलर एक्टिविटीज पे जाना है, थोड़ा सा एंजॉय भी करना साथ साथ, तो दिल्ली बॉम्बे बेस्ट है। ठीक है सर। और एक सर पूछना था कि IC डिजाइनिंग और जो VLS है, दोनों ब्रांचों में से ज्यादा रिफरेंस है कि सेम है नियरली? वो डिपेंड करता है कि आपको जाना किस डोमेन में है। जनरली दो डोमेन रहते हैं वीएलएसआई के अंदर, एक रहता है एनालॉग डोमेन, एक रहता है डिजिटल डोमेन। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको जाना किस डोमेन में है। डिजिटल का थोड़ा ज्यादा वो रहता है, मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। एनालॉग का थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज कम रहती हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज मतलब इसलिए कम भी रहती हैं क्योंकि लोग भी कम जाते हैं एनालॉग आईसी डिजाइन में। तो अगर आप एनालॉग आईसी डिजाइन की तरफ जाते हो ना, तो आपको अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी, लेकिन लोग भी कम है, तो पैकेजेस हाई मिलते हैं। डिजिटल में लोग थोड़े ज्यादा रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा रहती हैं, तो इट्स लाइक दैट। लेकिन मेरे हिसाब से आप डिजिटल आईसी की तरफ जाओगे तो बेनिफिट रहेगा, वो तो आप वहां पे जाके सीखोगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, ठीक है सर। धीरे धीरे वहां पता चलेगा। आईसी डिजाइनिंग आपको दोनों में ही करनी पड़ेगी, मतलब वीएलएसआई सेम एज अच्छा आईसी डिजाइनिंग, तो दोनों में आपको आईसी डिजाइन करना ही पड़ेगा। तो दोनों में ही सिखाते हैं वहां पे आप लोगों को टूल सिखाए जाएंगे जहां पे आप लोगों को आईसी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। जैसे मेमोरी डिजाइन एक सब्जेक्ट होता है आईटी दिल्ली के करिकुलम में है, तो वहां पे आपको पूरा डिजाइनिंग करना पड़ेगा, पूरा मेमोरी एक डिजाइन करनी पड़ती है। तो वो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जहां पे, जो सब लोग लेते हैं वीएलएसआई, जिसमें जो लोग जाना चाहते हैं। और सर ये पूछना था कि मतलब IIT में तो IIT का तो पता है कि हार्ड करिकुलम होता है, IIT का भी प्रेशर ज्यादा रहता है ना इन जनरल? नहीं, प्रेशर तो आपको ज्यादा रहेगा। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, तो हम लोग रात को 3 बजे लैब से आते थे और सुबह 8 बजे फिर लैब पहुंच जाते थे, मतलब इट्स लाइक हार्ड तो रहेगा। और देखो ये भी है ना कि आपने को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ बहुत वो सारे तो बच्चे सर आते पता हैं, है। ऐसा नहीं है कि देख, मैं मेरे से कोई पूछता है कि आईआईटी में अगर हम सेलेक्ट हो गए एमटेक में, तो क्या हमारा पैकेज 50 लाख का लग जाएगा? तो ये क्या मजाक थोड़ी चल रहा है यार, मजाक हाँ नहीं है ना एग्जैक्टली ये। आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, आपको इनपुट तो देना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप थोड़ा ऑब्वियसली एंजॉय कर सकते हो, वीकेंड्स पे एंजॉय कर सकते हो, लेकिन आप जितना ज्यादा एफर्ट मारोगे, जितना ज्यादा हार्ड वर्क करोगे, उतना ज्यादा आउटपुट मिलेगा। आपको 2 साल के अंदर बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, तभी जाके अच्छा प्लेसमेंट लगेगा। तो अच्छे प्लेसमेंट के लिए आपको इनपुट तो देना पड़ेगा। और मैं एक बात बता दूं, जैसे जो बीटेक के लड़के आते हैं हमारे, सब जो पढ़ के आते हैं, तो बीटेक में कोई कोडिंग सिखाता नहीं है। हमने जब बीटेक किया था एएमयू से, तो हमें कोडिंग नहीं आती थी, हमें ना सी आती थी, ना जावा आती थी, ना पाइथन आती थी, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन जब हम आईटी दिल्ली के अंदर घुसे, तो पता चला यार वहां पे तो कोडिंग करनी पड़ेगी। तो वहां पे जब करनी पड़ेगी, इसका मतलब आपको एक हफ्ते के अंदर बहुत कुछ सीखना है, तो एफर्ट तो मारना पड़ेगा। रात को 3-3 बजे लैब से वापस आके, फिर सुबह 8 बजे फिर लैब पहुंचना है, तो एफर्ट देना पड़ेगा। दोनों जगह एफर्ट, हार्डवर्क तो देना पड़ेगा, तभी पैकेज आपका अच्छा लगेगा।
और हार्डवर्क के पीछे डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम आईआईटी जा ही इसीलिए रहे हैं कि हमें हार्डवर्क करना है। हाँ ऑब्वियसली, अब तो सर अब मतलब गेट के प्रिपरेशन वगैरह तो अब आदत लग गया है कि एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली 8-10 घंटे गेट की बैठने का। प्रिपरेशन आपके ना इतना बना देती है, आपको 24 घंटे 7 दिन काम करना है हाँ ना, यस तो सर बस वही चीज ऑब्वियसली, आपको वहां पे रिपीट करनी है, कोई नई चीज तो करनी नहीं है बस। मतलब जैसे एग्जाम के बाद एक जो रिलैक्स है, मतलब मुझे ज्यादा बोर ही लगने लगे कि मैं सोचा कि हाँ जल्दी ऐसे ही शुरू होता है, कर देते हैं प्रिपरेशन फिर खाली से नहीं बैठ इंटरव्यूज सकते। का। सर आईआईटी दिल्ली में इंटरव्यू होता है या फिर रिटर्न या फिर डायरेक्ट ओनली गेट्स को देते हैं? डायरेक्ट भी हो जाता है, जब मैं वीडीडीटी की बात कर रहा हूँ उसमें इंटरव्यू होता है, अच्छा, ठीक है। इसमें दो ब्रांचेस रहती है, एक आईईसी रहती है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, एक वीडीडीटी रहती है, दो रहती है। वीडीडी में तो इंटरव्यू होता ही है, आईईसी में कभी होता है कभी नहीं होता, वो डिपेंड करता है उस समय क्या वो लेते हैं। आईआईटी बॉम्बे में नहीं होता, आईआईटी बैंगलोर में होता है। और अगर कोई भी डाउट रहता है कि कौन सी ब्रांच में अप्लाई करना है क्या रहता है, वैसे तो कुलदीप सर आपको बताएंगे ही, अगर हाँ आपको कोई भी डाउट रहता है वीएलएसआई की कौन सी ब्रांच में अप्लाई करना है, क्योंकि ब्रांचेस चेंज नहीं हुई हैं, जो 2012 में ब्रांचेस थी वही ब्रांचेस अभी भी हैं, चेंज बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, नहीं तो मैम से पूछोगे आप, रूपल मैम से या किसी भी पूछ सकते हो, तो आप वो मुझे कनेक्ट करा देंगे, ओके और ओके कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, कोई हाँ टेंशन हाँ नहीं है। अभी तो सर मतलब वही कि ईडीसी पढ़ रहा, मैं तो सोच रहा था कि कम्युनिकेशन पढ़ लो, बट पता चला कि वो भी जरूरत है कम्युनिकेशन नहीं की सर जरूरत अभी। नहीं है। नहीं सर ओनली और ईडीसी एक एंड सेशन लिया था एसटीएस। मैंने, एक सेशन लिया था हाँ मैंने, हाँ आप देखे होंगे रिसेंटली, यूट्यूब पे, यस सर तो यस उसमें सर मैंने कंटेंट बताया था, तो वो कंटेंट बहुत थोड़ा पढ़ लेना, तो वीएलएसआई इंटरव्यू आराम से इजीली क्रैक हो जाएगा। यस सर ठीक है सर। ओके ओके और सर वो मतलब बढ़िया। मोस्टली आपका ही मतलब नॉन कोर तो सर आपसे ही मोस्टली पढ़े हैं तो समझ नॉन कोर आएगा तो इसका इजी क्या। भी आया था, थोड़ा सा कोर ही थोड़ा सा आया था इवन सर इलेक्ट्रिकल मैं में। इसी का भी एग्जाम दिया था, उसमें तो नॉन कोर बहुत इजी आए थे, मतलब वो इसी का कोर तो मुझे पता नहीं था, मैं कोर छोड़ दिया ओनली नॉन कोर ही अच्छा अटेंड ओके करके आया हूँ। उसमें भी आई थिंक 53 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं मेरा जी। ओके, 53 पे तो ठीक रैंक बन गई। ठीक ठीक है भाई, ठीक है आकाश भाई, थैंक यू।